हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। बहुत बहुत ये मेरे कुछ आलू हैं, मैंने बॉयल कर लिए थे। पहले वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर बॉयल करती। और ये मेरी धनिया है, मेरे बढ़िया अच्छे से मैंने ओनियन ले लिया है और लहसुन लिया है और मसाले लेंगे, वो बाद में दिखाते हैं आप लोगों को। पहले एक ज़रूरी बात, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, वो भी बना रही हूँ दम आलू। मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग नहीं खाए होंगे बिना टमाटर के, वो भी बढ़िया प्यारी सी रेसिपी। एक लेंगे कस करने वाला बढ़िया मिक्सर, मिक्सी में कस कर लेंगे अच्छे से। ऐसे ओनियन कट करके अच्छे से मैंने कट कर लिया है, अब इसी में ऐड करेंगे। ये देखिए ऐड कर लिए हैं, इसी में ऐड करेंगे हरी मिर्च प्यारी सी। आप लोग जितना तीखा खाते हो उतना कर लीजिएगा, कम ज़्यादा अपने तरीके से आप लोग। और इसी में ऐड करेंगे प्यारी सी धनिया कट करके बढ़िया, थोड़ी सी आप लोग अदरक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे कस लिए हैं, एक कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई अच्छे से हीट हो गई है। इसमें आयल ऐड करेंगे, आयल भी हीट हो गया है। इसमें ऐड करेंगे आलू प्यारे से। अब इसको बढ़िया उलट पलट के अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए इसका जब तक कलर नहीं चेंज होता है तब तक पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए पकाने में, और इसमें होल करेंगे छोटे छोटे से। आप लोग एक पेन ले सकते हैं या कोई भी होल करने वाली हो कील उससे कर सकते हैं। ऐसे एक लकड़ी भी ले सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो ले लेना, जो आप लोग को इजी लगे बेस्ट लगे। ये देखिए एक चम्मच से अच्छे से इसको पलटेंगे, टर्न करते हुए पकाएंगे बढ़िया, थोड़ा टाइम देंगे पकाने में। एक बाउल लेंगे और चलते हैं कुछ मसाले बनाने, मसाले की रेसिपी बनाने। थोड़ा सा दही ऐड करेंगे प्यारी सी, ये दही की रेसिपी है, आप लोग देखते रहिए बिना टमाटर के। अगर आप लोग टमाटर नहीं खा सकते हो, इतने महंगे हो गए हैं मार्केट में, तो दही तो खा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बिना टमाटर के भी। इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, बढ़िया स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और तीखा बढ़िया लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ऐसे थोड़ा सा ऐड करेंगे बढ़िया उसको मीट मसाला, आप लोग गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे थोड़ा सा बढ़िया खड़ा जीरा, इसे मिक्स करेंगे एक स्पून की मदद से बढ़िया अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स करिएगा बेटर को बढ़िया परफेक्ट, जिससे दही अच्छे से फेंट लीजिएगा। जो दही है ये अच्छे से फेंट जाना चाहिए। ये देखिए बहुत प्यार से, एक तरफ देखिए मेरे आलू भी अच्छे से बढ़िया क्रिस्पी हीट हो गए हैं। इनको मैंने कल्हार लिया है अच्छे से। एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा आयल ऐड किए हैं, आयल अच्छे से हीट हो गया है। इसमें ऐड करेंगे खड़ा जीरा, और ऐड करेंगे इसमें वही बढ़िया प्यारी सी जो मैंने धनिया चॉप की थी बढ़िया मिक्सी में पीस के। ये देखिए सारी चीज़ें क्या क्या बताएं यार। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, मसाला अच्छे से भून गया है, वही अपना मसाला ऐड किए हैं बढ़िया प्यारा सा, जो मैंने सभी चीज़ें इसी में मिक्स की थी ना, वही मसाला अच्छे से परफेक्ट भूनेंगे तेल में। ये देखिए अच्छे से बढ़िया फेंटेंगे, फेंटते हुए पकाएंगे, जिससे दही अगर बिखरी बिखरी ना रहे एक में, बढ़िया अच्छे से परफेक्ट इसको चलाते रहेंगे स्पून की मदद से बार बार इधर उधर। ये देखिए कितना अच्छे से पक गया है, अब ये पक गया है, इसमें जो थोड़ा सा बचा है इसको भी अच्छे से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे।
फिर पकाएंगे अच्छे से स्पून की मदद से। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, फिर इसे मसाले सारे पकाएंगे फिर से। देखिए मैंने थोड़ा ही पानी ऐड किया है, आप लोग को कम लग रहा है तो आप लोग और ऐड कर सकते हैं। आपके यहाँ जितनी फैमिली मेंबर्स हैं उतना ऐड कर लीजिएगा, किसी के यहाँ कम है किसी के यहाँ ज़्यादा। इसमें ऐड करेंगे वही आलू जो मैंने अच्छे से कल्हारे थे, फ्राई किए हैं। ये मेरे डीप फ्राई हैं, डीप फ्राई ऐसे अच्छे से बढ़िया उलट पलट के इसे भी अच्छे से पकाएंगे। इसमें होल किए हैं ना, उसमें मसाले थोड़े थोड़े से जाएंगे तो और अच्छी लगेगी सब्ज़ी। बढ़िया दमदार सब्ज़ी है मेरी। एक एक करके बढ़िया स्पून की मदद से एक एक आलू ऐड करेंगे। देखिए वाओ नाइस, कितनी प्यारी लग रही है। इसमें बढ़िया प्यारी सी धनिया से गार्निश करेंगे। ये देखिए भाई, है ना मस्त रेसिपी, बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, बहुत अमेजिंग है। आप लोग एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है। आप लोगों को अगली रेसिपी कौन सी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। हमेशा की तरह सिर्फ 3 चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।